यकीन कीजिए, जब आपका गुनाह करने का दिल करे, स्टोरी को जहन में ले आया करें। बारसीसा वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, एक आबिद था बनी इसराइल का। इतना नेक आदमी था कि पूरे बनी इसराइल में उसका चर्चा था। तो हुआ ये कि तीन भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी, वो आई गेस जिहाद के लिए जा रहे थे या किसी काम के लिए जा रहे थे। आई थिंक देयर वॉज अ बैटल गोइंग ऑन, सो देवर गोइंग फॉर द होली वॉर। और जाने से पहले उन्होंने जो अपनी बहन की जिम्मेदारी सौंपी वो बारसीसा को सौंपी। अब उनको ये ट्रस्ट था कि ये बहुत नेक आदमी है, तो ही विल टेक केयर ऑफ आर सिस्टर। अब कोई भी आम आदमी हो, जाहिर है कि वो दीनदार आदमी के बारे में यही सोचता है कि यार शरीफ आदमी है, चलो इससे कोई खतरा नहीं होगा। बारसीसा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली और बहुत शाय था, बहुत नेक था। अब देखें, वो उनकी बहन को कभी खाना देने जाता था या कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो नॉक करके पूछ लेता था कि आपको कुछ चाहिए। दीज आर फुट स्टेप्स ऑफ शैतान, खुतवात इस शैतान। और खुतवात इस शैतान, यकीन कीजिए, इतनी डिसेप्टिव चीज़ है कि वो आपको डायरेक्ट सिन की तरफ नहीं लेकर जाता है। शैतान डायरेक्ट अगर किसी से नाउज़ बिल्ला यानी अल्लाह माफ़ करे जिना करवाना है तो डायरेक्ट नहीं लेकर जाएगा। स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटा सिन, फिर और सिन, और आहिस्ता आहिस्ता दैट अल्टीमेट सिन जिसकी तरह वो ले जाना चाह रहा है। तो बारसीसा को उसने वसवसा डाला, टेक अ लुक एट हर, शी लुक्स गुड, आवाज़ तो बहुत अच्छी है ना, बात करना शुरू की, आवाज़ और पसंद आई, दिल में चाहत पैदा हुई, यार ये दिखती कैसी होंगी, टेक अ लुक एट हर, देखो लुक एट हर, हाथ देखता था जाहिर है, उससे दिल किया कि और देखो, और फिर देखा, दिल में और चाहत पैदा हुई, डिज़ायर आई, यू नो, एक फॉल्स डिज़ायर अराउज हुई, और फिर अंदर जाके दिया कर, बाहर से क्यों देता है, अंदर जाके दिया कर, स्टेप इनसाइड, बी कॉन्फिडेंट मैन, बी बोल्ड, टॉक टू हर, नो गो इनसाइड। अंदर गया, अंदर जाके बात करना शुरू की, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत और बढ़ी, फ्रेंकनेस बढ़ी, करते करते फिजिकल रिलेशन कायम हुआ, फिजिकल रिलेशन भी आगे गया, एंड अल्टीमेटली कमिटेड ज़िना। ट्रू स्टोरी, यू कैन सर्च इट आउट, तफसीर बिन कसीर में। एंड व्हेन ही कमिटेड ज़िना, बिकॉज ऑफ दैट शी बिकेम प्रेगनेंट, प्रेगनेंसी हो गई। अब जो उसके जहन में फियर आया और अब जो उसके जहन में खौफ आया कि अब मैं क्या करूँ, रेपुटेशन बचानी है, कैसे रेपुटेशन बचाऊँ, वसवसा डाला, फिनिश हर, तुम मर जाओगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। एंड देन अल्टीमेटली ही किल्ड हर, कैन यू बिलीव इट, उसने उस औरत को मार दिया और शी वॉज प्रेगनेंट इन दैट स्टेट, कैन यू बिलीव इट, मेजर सिन, किसी को मर्डर करना, वो भी इस स्टेट में, मार कर दफना दिया इस जगह। कुछ अरसे बाद भाई आए, भाइयों ने पूछा हमारी बहन कहाँ है, ही सेड मुझे क्या पता, आई यूज टू लुक आफ्टर हर, फिर अचानक से पता नहीं कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया। भाइयों ने यकीन कर लिया, शरीफ आदमी है, सच बोल रहा होगा, आबिद है। अब देखें, सबको लड़वाना है ना, और उसको अल्टीमेटली ख़त्म कराना है बारसीसा को। ही केम इन द ड्रीम्स ऑफ द ब्रदर्स, और ड्रीम में आके बकायदा बताया कि तुम्हारी बहन को इसने मारा है और फलानी जगह दफन किया, एंड दे वेंट एंड दे फाउंड आउट द डेड बॉडी ऑफ देयर सिस्टर, एंड इट वॉज एब्सोल्यूटली प्रूवन कि इसने मारा, और उस पर पूरा केस चला, और केस से साबित हो गया कि बारसीसा ने इसको कत्ल किया। एंड देन बादशाह के सामने, उस वक्त का जो बादशाह था, जो भी रूलर था उस वक्त का, उस रूलर के सामने बारसीसा को लाया जाता है, और देन शैतान अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ बारसीसा एंड ही सेज टू हिम, मुझे सजदा करो, प्रोस्टेट टू मी, मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्या मैं अब तक तुम्हें हेल्प नहीं करता आया, काउंसिल नहीं करता आया, डू इट, सजदा करो मुझे, आई विल सेव यू। और बारसीसा ने पैनिक होके उसको सजदा किया, एंड द मोमेंट ही डिड प्रोस्ट्रेशन, दैट इज द बिगेस्ट सिन, यानी द मोमेंट ही डिड शिर्क, ही सेड इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, शैतान ने ऐलान किया कि बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं जा रहा हूँ। देखें, पहले सिन करवाया, सिन करवाने के बाद डीप रिग्रेट में भेजा उसे डिस्ट्रेस कॉज की, और उसके बाद उसको फियर कॉज किया उसकी रेपुटेशन का। दिस इज द एनमिटी, दिस इज द पीक ऑफ एनमिटी। लुक एट द स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप, अल्टीमेटली शिर्क की तरफ ले गया उसे। कैन यू बिलीव इट,